नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की दूसरी काउंसलिंग सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद अतिथि शिक्षकों को स्कूल आवंटन हुए, लेकिन स्कूलों पर ज्वाइनिंग के ठीक पहले जिफमेंस पोर्टल पर पोर्टल को ही बंद कर दिया गया। जिफमेंस पोर्टल पर मैसेज मेंटेनेंस के नाम पर दिया जा रहा है, जिसको आप इस तरह से देख सकते हैं। इसमें तारीख भी बताई गई है, 15 तारीख को यह बंद किया गया था शाम के 8 बजे और 18 तारीख को यह चालू होगा शाम के 8 बजे। यानी सीधी तौर पर इसके पहले का जो जिफमेंस पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों के लिए आदेश था कि उनके लिए तीसरी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह 18 तारीख से ही शुरू की जाएगी, लेकिन दूसरी काउंसलिंग के जिन कैंडिडेटों को स्कूलों का आवंटन हुआ है उनको शाम के 5 बजे तक स्कूलों पर अनिवार्यतः ज्वाइन होना पड़ेगा। लेकिन अचानक ऐसा बीच में क्या हो गया कि पोर्टल पर मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया, तो यहां पर आपको दिखाने वाले हैं एक महत्वपूर्ण आदेश, जानकर आप भी चौंक जाएंगे। क्योंकि अगर आपको स्कूल मिल चुकी है या मिल रही है या मिलने वाली है तीसरी काउंसलिंग में, तो आपके लिए यहाँ पर ये आदेश बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ये आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल की तरफ से जारी किया गया है। आदेश 14/11/2024 की तारीख पर जारी हुआ है, लेकिन अभी आप जो है इसको यहाँ पर पोर्टल पर अपडेट किया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर नंबर प्रति के रूप में संयुक्त संचालक समस्त संभाग लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है। मामला अतिशेष शिक्षकों को लेकर है, विषय में देख सकते हैं अतिशेष शिक्षकों के अभ्यावेदन निराकरण करने के संबंध में। संदर्भ लिया गया है 8/11/2024 के इसके पहले जारी किए गए आदेश का। आपको बता दें मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर हजारों की संख्या में अभी भी अतिशेष शिक्षक है, जिन अतिशेष शिक्षकों को शिक्षा विभाग इधर से उधर नहीं कर पाया है। कई कोर्ट केस के मामले हैं, कई अन्य मामले हैं, वह अब निपट जाएंगे मामले, और निपटने के बाद उन मामलों के अंतर्गत जो शिक्षक थे अब उनको नई स्कूलों पर ज्वाइनिंग कराना है। अब बात आती है वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 21 कैटेगरी के ये जो अतिशेष शिक्षक है रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें इसके पहले जो आपको दिखाए उसमें स्पष्ट है 18 तारीख शाम के 8 बजे और 19 तारीख से ये वाला मैटर यहाँ पर होगा शुरू। तो यानी सीधी तौर पर यहाँ पर आप कह सकते हैं 50% की इस व्यवस्था के कारण जिफमेंस पोर्टल पर मेंटेनेंस दिखाया जा रहा है। अब आप यहां पर आप देखेंगे कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करना है, अतिशेष शिक्षकों के संबंध में अभ्यावेदन के निराकरण हेतु निर्देश प्रसारित किए गए। सभी संयुक्त संचालक निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 19/11/2024 को जानकारी के साथ संचालनालय में उपस्थित होंगे। समस्त अभ्यावेदनों के निराकरण की स्थिति विमर्श पोर्टल पर दर्ज करना है। 8/11/2024 का इसके पहले का आदेश जारी किया गया, जिसमें निर्देश के तहत प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। जारी स्पीकिंग आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संबंधित को तामील कराना है। ऐसे न्यायालयीन प्रकरण जिनमें राष्ट्र स्तर से अभ्यावेदन का निराकरण किया जाता है उनकी लोक सेवकों पर नस्थित तथ्यात्मक टिप एवं संभाग स्तर से निराकरण के आदेश साथ लाना है। ऐसे लोक सेवक जिनके अभ्यावेदन मान्य होने से उनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ऐसे प्रस्ताव संलग्न पत्र 1 में तैयार कर सॉफ्ट कॉपी हस्ताक्षर की प्रति के साथ लाना है। वहीं यहां पर आप देखेंगे प्राथमिक वर्ग 3, माध्यमिक वर्ग 2, हाई वर्ग 2 और हायर सेकेंडरी वर्ग 1 स्तर के ऐसे अतिशेष शिक्षक जो काउंसलिंग में असहमत या फिर अनुपस्थित थे उनकी जिलेवार संभागवार काउंसलिंग संकलित सूची सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी यहां पर लेके जाना है। यानी ये जो शामिल ही नहीं हुए थे उनका अब यहां पर अपने से डीपीआई स्कूलों का आवंटन करेगा, क्योंकि इसके पहले डीपीआई ने स्पष्ट कर दिया था अगर आप काउंसलिंग में शामिल नहीं हो रहे तो आपको हम अपने हिसाब से स्कूलें आवंटित कर देंगे। क्योंकि यहां पर देख सकते हैं आगे बताया है कि ऐसे लोक सेवक जिनके द्वारा काउंसलिंग में भाग लिया गया लेकिन विद्यालय लिया गया किंतु उनके आदेश जारी नहीं हुए उनकी भी सॉफ्ट कॉपी साथ में लाना है, यानी उनके भी आदेश अब जारी होंगे। उक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 19/11 यहां पर तारीख बताई हुई है 19/11/2024 को संचालनालय में सुबह की 11 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आयुक्त के द्वारा अनुमोदित आदेश है। कोई भी यहाँ पर ये स्टे नहीं होगा,
सीधी तौर पर डायरेक्ट अब पोस्टिंग होगी अतिशेष की, और ये अतिशेष वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 तीनों कैटेगरी के रहने वाले हैं। कब कहां किस अतिशेष शिक्षक के पद पर ये नियमित शिक्षक आ जाएं, कोई भरोसा नहीं है। तो ये आदेश है जो कि के द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है। मुझे उम्मीद है आप बातों को समझ गए हैं। पोर्टल पर मेंटेनेंस क्यों दिखाई दे रहा है? अगर आप चाहते हैं आपको तीसरी काउंसलिंग के बारे में अपडेट मिले, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।